बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं एक वीडियो है जी, इससे आपको अपडेट करूँगा। मैं दो दिन पहले मैंने वीडियो देखी थी, मैंने बोला भाई शायद किसी मार्केट वगैरह में ये मसला बना है। अभी नेट के ऊपर ये वीडियो वायरल हुई है और इसको उसके बाद इन बंदों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। एक तो ये झगड़ा जो हुआ है किस शहर में हुआ है, क्यों हुआ है, और दूसरी जो बात है ये जो बंदे हैं ये किस कंट्री, किस मुल्क के निकले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये रियाज के एक मार्केट में, एक मॉल में झगड़ा हुआ है जी, और आपके साथ में यहाँ पर वो वीडियो भी शेयर कर शॉर्टली दिखा दूंगा आपको, क्योंकि आपको पता है YouTube की पॉलिसीज हैं, आप कोई भी किसी किस्म की झगड़े वाली वीडियो भी शेयर नहीं कर सकते हैं। चाहे मैं खुद आपके साथ लाइव हूँ, आपको साथ में भी नहीं दिखा सकता, इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। तो बात यह है कि झगड़ा हुआ है मार्केट में, मार्केट के इस चीज़ के ऊपर झगड़ा हुआ है कि कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्काउंट लगी हुई थी। जैसा कि मैं आपके साथ मुख्तलिफ डिस्काउंट वाली चीज़ें शेयर करता रहता हूँ मुख्तलिफ मॉल्स वगैरह में, ठीक है। तो ये बंदों के किसी न किसी चीज़ पर डिस्काउंट वाली चीज़ें उन बंदों ने उठा ली, दूसरे जो बंदे थे उन्होंने भी उठा ली। इस चीज़ के ऊपर झगड़ा हो गया इनका आपस में, आपको यहाँ पर शायद मैं वो साथ में वीडियो भी दिखा रखा हूँ। उसके बाद हुआ ये है कि इनको तमाम तर अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको ये भी क्लियर कर दूँ, मैं आप किसी के साथ झगड़ा वगैरह करते हैं तो उसका कोई नुकसान करते हैं, जैसे कि सर फोड़ देते हैं उसका, तो इसके ऊपर भी आपको वो बंदा जब तक मुआफ़ नहीं करेगा आपको भाई यहाँ से जेल से रुख्सत नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके साथ इत्तफाक करते हैं, 2,000-5,000 रियाल आपको देना पड़ता है, जो मेडिसिन वगैरह ली गई है वो भी आपको अलग से देना पड़ती है। इसके बाद ही वो बंदा आपके साथ सुलह करेगा। क्यों भाई, आपने उसका सर फोड़ दिया यार। मुस्तरी बाजू अगर उंगली वगैरह है, टांग वगैरह है, टुकना, इन तमाम तर चीज़ों के मुस्तरी प्राइस है। जो मेरे भाई सऊदीया में रहते हैं इनको पता होगा, अगर आपने किसी ना किसी किस्म का यानी किसी का दांत ही तोड़ दिया तो इसके ऊपर भी आपको 10,000 रियाल के अराउंड में उस बंदे को पैसे देने पड़ेंगे, और इसके अलावा आपको हो सकता है उसका तमाम तर मेडिकल का खर्चा भी उठाना पड़े। अच्छा, बात कर लेते हैं जी, ये जो बंदे अभी पकड़े गए हैं इनमें ये जो 7 मिस्री अफराद थे ये, और इनके साथ 2 सूडानी थे। सिंपल सी बात है, जो सूडानी है वो दोनों होंगे, ये मिस्री जो है 7 इकट्ठे होंगे, 2 ग्रुप होंगे। अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस बंदे ने जिस दूसरे बंदे का जितना नुकसान किया होगा उसको उतना ही खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े से बाज रखें, कोई बंदा आपके साथ बदतमीजी करता है तो उसको बोले यार सलाम यार, जा अपना काम कर।